न्याय यात्रा निकाल रही है। अभी अभी न्याय यात्रा यहाँ से गुजरी है, जैसे आप देख सकते हैं काफिला चल रहा है अभी भी। जो बलौदा में जो अग्निकांड हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। जो हो वो सामाजिक तत्वों द्वारा हो, इनमें किसी की कोई गलती नहीं। चोरी डकैती तो कहीं पे कलेक्टर जल जा रहा है, तो कहीं टोनी पटाने से कहीं मारा जा रहा है। आपकी सरकार कौन चला रहा है, सरकार कहाँ से चल रही है, आखिर नियंत्रण कहाँ से हो रहा है? हिंदुस्तान में तीन लोग पास बिट्टो पावर है, एक को देश में प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री, जिला में डीएम। सरकार की नाकामियों को हम जनता के अदालत तक ले जाएंगे। सरगुजा से लेके बस्तर सब जगह लड़ाई लड़ेंगे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, तीरंदाज से मैं अभय तिवारी। यात्रा ये तब होती है जब किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है, और पद यात्रा तब होती है जब कोई राजनीतिक संदेश या कोई ऐसी बात जो समाज में एक बड़ा मूलचूल बदलाव कर सकती है उसको लोगों तक पहुंचाना होता है, उसके लिए कोई व्यक्ति या संगठन पद यात्रा करता है। आज यानी कि 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी दीपक बैच के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाल रही है। आज का दिन शुरू हुआ सोना खान से। दीपक बैच पहुंचे सोना खान, जहां शहीद वीर नारायण की मूर्ति को उन्होंने मालार्पण किया। इससे वो ये साबित करना चाहते थे कि कहीं ना कहीं ये जो यात्रा कांग्रेस करने जा रही है ये क्रांतिकारी कदम है। उसके बाद वो पहुंचे गिरौदपुरी। गिरौदपुरी इसलिए क्योंकि अभी अभी 10 जून को बौद्ध बाजार में सतनामी आंदोलन के दौरान एक बहुत ही बड़ी आगजनी की घटना हो गई थी, जिसके बाद से अभी तक 185 आरोपी उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर सतनामी समाज के लोग हैं और जो नहीं हैं वो कांग्रेस के नेता हैं, जैसे कि देवेंद्र यादव जो भिलाई नगर के विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक संदेश जाए लोगों के बीच में गिरौदपुरी से इस यात्रा को चालू करने में कि सतनामी समाज के साथ वो खड़े हुए हैं, और जो भी गिरफ्तारी यहाँ पर बलौदाबाजार पुलिस कर रही है उसके वो विरोध में है। गिरौदपुरी के बाद पद यात्रा शुरू होती है। गिरौदपुरी में धर्मशाला में ध्वजारोहण करने के बाद दीपक बैज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सरकार की नाकामियों को लेकर, छत्तीसगढ़ सरकार की विफलताओं को लेकर, छत्तीसगढ़ सरकार में जिस तरह से 9 महीने की सरकार में लगातार बढ़ती अपराध, छत्तीसगढ़ जल रहा है, बलौदा बाजार की विफल घटनाएं, वर्तमान कवर्धा में घटना हुई 3 साहू समाज के बेटों की हत्या और माता बहनों की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ पूरी तरह से अशांत हो चुकी है, छत्तीसगढ़ राजधानी से लेकर सभी जिला मुख्यालय अपराध का गढ़ बन चुका है। ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, इसको जगाने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय से लेकर पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के आंदोलन हम लोगों ने किए, और जहां तक हमारे विधायक दल के साथियों ने कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा के अंदर भी लड़ाई लड़े, और 24 जुलाई को ऐतिहासिक विधानसभा का घेराव कांग्रेस पार्टी ने किया इस कानून व्यवस्था को लेकर। जिस तरह से बलौदा बाजार में घटना हुई, कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस जले, कई निर्दोष दोषी सरेआम घूम रहे हैं, उनको एक नोटिस तक नहीं, लेकिन निर्दोष सतनामी समाज के युवाओं को और कांग्रेस पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस एनयूसीआई, हमारे विधायक साथी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। कवर्धा घटनाएं किसी छुपी नहीं है, इस तरह से लगातार घटनाएं घट रही है। बढ़ती अपराध को लेकर सरकार से लड़ाई लड़े, लेकिन सरकार आंख कान बंद होगी बहरी हो चुकी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि अब इस सरकार के खिलाफ में हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये लड़ाई जनता की न्याय के लिए, जनता की हक के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता की स्वाभिमान की रक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ को सुरक्षित करने के लिए
ये लड़ाई शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है और छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच जा रहे 6 दिन रहेंगे। सरकार की नाकामियों को हम जनता के अदालत तक ले जाएंगे और जनता तक हम पहुंचाएंगे ताकि ये सरकार जिस तरह से जनादेश लेकर सरकार बनाए लेकिन सरकार चलाने में इस चुनाव में पूरी तरह से विफल साबित हुई। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, आखिर सरकार कौन चला रहा है, सरकार कहां से चल रही है, आखिर नियंत्रण कहां से हो रहा है, सरकार में नियंत्रण करने की क्षमता है कि नहीं। गृह मंत्री को तो हमने कहा कि जब हम छत्तीसगढ़ बंद भी किए कम समय में, छत्तीसगढ़ की जनता में इतना ज्यादा आक्रोश है, कम समय में छत्तीसगढ़ बंद सफल बंद हुआ, इसके लिए छत्तीसगढ़ जनता को हमने आभार भी व्यक्त किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, ध्वजारोहण होता है और उसके बाद निकल पड़ते हैं यात्रा पे। न्याय यात्रा निकाल रही है, अभी न्याय यात्रा यहाँ से गुजरी है, जैसे आप देख सकते हैं काफिला चल रहा है अभी भी। दीपक बैज अभी यहाँ से गुजरे हैं। दीपक बैज का कहना है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, 9-10 महीने में सरकार कुछ भी नहीं की है, लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति बहुत ख़राब है। हम मौजूद हैं उसी क्षेत्र में जहाँ से कुछ दूर पर छरछेत पड़ता है, जहाँ पे अभी टोनी प्रताड़ना के नाम पर 4 लोगों की हत्या हो गई थी। तो हम यहाँ के आम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों को ये यात्रा से क्या उम्मीद है। आप मान लो क्या उम्मीद है भैया ये यात्रा निकाला था? अब क्या उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी का निकला रमेश भाई तो देख रहे हैं, अब अभी बीजेपी का सरकार है विष्णु देसाई। हाँ। बाकी तो गुंडागर्दी थोड़ा हो रहा है, अभी सरसेद में हुआ है 4-5 लोगों का हत्या, सरसेद 11 महीने का बच्चा भी था बोलते हैं। हाँ सुना हूँ। लवन का आप सुने कि नहीं, गुपचुप वाले को मार दिए? लवन का भी सुना हूँ और भद्रा में भी हुआ है, भद्रा में 2 लोग को अम्मा बेटी को मार दिया, 1 से 1.5 महीना हुआ है लगभग, है ना। तो आपको क्या अपेक्षा है कांग्रेस का यात्रा, आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, इससे कुछ फायदा मिलेगा, क्या लग रहा है? अब इसमें फायदा तो मिलेगा ही। अच्छा क्या लगा थे देखे बताइए आप। अच्छी है, अच्छी बात है, सफलता मिलेगा इसमें जरूर। तो आपको नहीं लगता कि चुनाव है 2-3 महीने में, पंचायत का हो गया और नगरीय निकाय जिला पंचायत सबके चुनाव है, तो कहीं चुनाव के कारण ये यात्रा तो नहीं निकल रही? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है चुनाव के कारण वाली, मगर इसमें परिवर्तन के लिए निकाल रहे हैं रैली। अच्छा जी, तो एक बात बताइए, बीरनपुर में हिंसा हुआ था जहाँ पे ईश्वर साहू के विधायक के लड़के की हत्या हो गई थी, तो भाजपा कह रही है कि वहाँ पे तो नहीं गई कांग्रेस और अब जगह जगह घूम रही है, अगर वहीं चलती होती तो आज सत्ता नहीं जाती, ये बात सही लगा थी? ये तो सही लग रहा है जी। तो भाजपा भी वही गलती करत कहीं ना कहीं, आप लगा लगा वही गलती भाजपा भी करत। जब ये बात लगा दीपक भाई पूछे तो वो बोलीस कि नहीं हमारी सरकार तो कार्रवाई भी कर रही से, ये सरकार कार्रवाई तक नहीं करत है, ये मैं आप बोला चाहिए। अब देखा कानून ऐसे है, कानून अपन नियम से चलत है, अब ओकर अपेक्षा नहीं बोल सकन कानून के, कानून जो भी बताई निर्णय लिए वही सर मान रहे। अच्छा सतनामी समाज के आंदोलन हो रही सुमा बहुत ज़्यादा हिंसा हो गई रही से, है ना, तो ओकर बाद कांग्रेस लगातार उमन के समर्थन कराते, देवेंद्र यादव विधायक ला उमन गिरफ्तार कर लीस, तो आप मन ला का लगा थे कि ये यात्रा करें से कुछ दबाव पर ही जो निर्दोष है कांग्रेस के बोलना है वो जमानत मिली थी? तो इसमें नहीं हो सकता है, लेकिन जो बलौदार में जो अग्निकांड हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि कलेक्टर जो विभाग जो आग लगाया हुआ है, कोई भी व्यक्ति लगाया है, लेकिन गलत हुआ है वो। अच्छा गिरफ्तार जिन लोगों को कर रहे हैं आपको लगता है आरोपी उनमें से कोई होगा? अब ये नहीं बता सकते आरोपी मतलब कौन है क्या है हम नहीं बता सकते, लेकिन वीडियो के साक्ष्य में पुलिस भी वीडियो के साक्ष्य में उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि शासन जैसे पुलिस प्रशासन जो कर रहे हैं तो सही कहता कि उनके ऊपर कुछ होगा तभी उसको अंदर किया है पुलिस विभाग। लेकिन बलौदा बाजार में जो अग्निकांड हुआ है बहुत गलत हुआ है कि कलेक्टर विभाग जो है सभी चीज़ की संपत्ति जो है सरकारी संपत्ति के लिए। कांग्रेस बोल रही है कि जो इनके पहले पूरे यहाँ के विधायक थे भाजपा के सनम जांगड़े, अच्छा। वो भी वहाँ मौजूद थे लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया, देवेंद्र यादव आके 10 मिनट बैठे और उनको गिरफ्तार कर लिया, ऐसा कैसे? अब देखो क्या है कांग्रेस का है वो देवेंद्र यादव जो भिलई का और अभी सनम जांगड़े जो है बिलईगढ़ विधायक था, वो अभी भूतपूर्व है, अभी भाजपा का जिला अध्यक्ष है। हाँ जिला अध्यक्ष है। हाँ। तो वो ही मौजूद थे, वो भी उनका भी हाथ था लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बाकी लोग गिरफ्तार कर लिए। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते भैया, इसमें देखो राजनीतिक में है, हम लोग तो आम जनता है, व्यापारी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कह सकते। नहीं मेरा ये बोलना है कांग्रेस भाजपा जो भी हो अपने लोगों को बचा के दूसरे का कोशिश करती है, आपको क्या लगता है ये सच है? ये सच है जैसे कांग्रेस आती है तो कांग्रेस के लोग गिरफ्तार नहीं होते, भाजपा गिरफ्तार होते हैं, भाजपा ही तो कांग्रेस के आदमी। इसमें क्या होता है जो गलत किया हुआ शासन प्रशासन जो कर रहा है वो अपने हिसाब से करेगा, चाहे बीजेपी का पार्टी हो चाहे कांग्रेस का पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, जो गलत करेगा कानून अपने हिसाब से करेगा वो। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस समिति के सदस्य सम्मानित दीपक बैज, ये यात्रा तो निकाली लेकिन ऐसी जगह से निकाली
जो बाबा गुरु घासीदास जी के तत्व भूमि के नाम और यात्रा से और मैं बताना चाहूँ प्रदेशवासी मन की यात्रा कहाँ पर निकले गई 9 महीना की भारतीय जनता पार्टी के नाकामी सरकार जो आए दिन अत्याचार भ्रष्टाचार और बलात्कार करते छत्तीसगढ़ शांति बनाए के खातिर अत्याचार मिटाए के खातिर हमारे माँ बहन न्याय दिलाए के खातिर हमारे सतनामी भाई यादव भाई साहू भाई हर धर्म हर समाज का न्याय दिलाए के खातिर हमारे दीपक बेचिहा यात्रा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाले ताकि सब न्याय मिले। तो एक बात बताओ आप खुद ही समाज के आंदोलन आप भी मौजूद रहे तो अचानक से वो हाँ इतना भगिया रूप से ले ली और आप हम देखे रहे वीडियो आपके वायरल हो रही थी आप मना कर रहे हो तब उन्होंने आप मना कहा था कि कौन इसे जिम्मेदार है कि कबाड़ी समाज समाज की नजर मंगला अभी तक तो पुलिस गिरफ्तार करे हैं तो एक इकलौता देवेंद्र यादव उन्हें विधायक जो विधायक है और दूसरा समाज के क्या है मत खुद कंफ्यूज है भाजपा सरकार क्या कहें मैं तो सरासर भारतीय जनता पार्टी के नाकामी पर इंटेलिजेंट फेल एक कारण घटना हुई अग्निकांड जो हो वो सामाजिक तत्वों द्वारा हो जिनमें किसी की कोई गलती नहीं एसपी ऑफिस आग लगना कलेक्ट्रेट आग लगना जब 50,000 के भीड़ में पुलिस प्रशासन आग को भी नहीं तो ऐसे कंडीशन में कैसे रोक लगा पाए सावधानी वो खुद नहीं करें तब घटना घटे और बताना चाहिए हम देवेंद्र भाई के लिए वो कार्यक्रम में देवेंद्र भाई तो 10 मिनट भी रहे और कल 20-20 धारा लगाए गए और गलती का है बस युवा भाई सतनामी भाई मन न्याय दिलाए थे समर्थन करेगी ये कल लिए उन्हें जेल में डाल देगी हम भारतीय जनता पार्टी कहना चाहते हम हमारे देवेंद्र भाई के लिए यही करें छत्तीसगढ़ में आए दिन अत्याचार भ्रष्टाचार बलात्कार हो रहे थे छठछठ में देखे 4 मर्डर बिलाईगढ़ विधानसभा में आपने देखे थरगांव में एक घर में 5 सदस्य की मर्डर हो गए कवर्धा के घटना एक साहू बेटा ने मार मार के मार डाली तब अदालत न्यायालय तब पुलिस लड़का है तब मारे के तो जिस तरीके से हमारे नारी शक्ति मन लाने वस्त्र करके मारे गए सो के आप मन घटना देखे एक लड़की ने 9 लड़का बलात्कार करे ये मन न्याय कब दी तब जाके भारतीय जनता पार्टी यही सब न्याय दिलाए के खातिर हमारे दीपक बेचिहा यात्रा निकाले है और मैं प्रदेशवासी मन में हृदय से धन्यवाद दिखा आज प्रथम दिन रही यात्रा गिरौदपुरी से रायपुर तक है आज 27 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन वो खत्म दीदी यहाँ आपके क्षेत्र खत्म हुआ थे जो एनडीए वो साइड क्षेत्र चालू हुए थे अभी अभी 2-3 दिन से एक पोस्टर लगे है जिसमें आपके फोटो है बहिदेन भैया जीता अध्यक्ष है ठाकुर और संदीप साहू विधायक वह फोटो भी लगे और प्रदेशवासी और भाजपा के मन कई हम बोला थे कि जब आपस में फूट लेते मन पोस्टर लगाए मैं तो कहना चाहूँगा कि काफ़ी फोटो लगाए और नहीं लगाए से फर्क नहीं पड़ने वाला है इंसान को जो सोच है वो मजबूत होना चाहिए हमारे संदीप साहू जी ने आपने बताना चाहिए वो इतना अच्छा विधायक है तब वो अपने 30,000 वोट से वोट जीते जनता के बहुत लाडला बेटा है अच्छा भाई है सत्र के अच्छा विधायक है और हम उनके भाई बहन की तरह रिश्ता है राखी बांधना है कोई भाई बहन के प्यार नहीं हो धागा से बंधे हुए रिश्ता रिश्ता नहीं हो खून के भी रिश्ता नहीं हो लेकिन दिल से बंधे हुए रिश्ता बहुत छोटे बहन की तरह मानते मोर फोटो लगाए है वहाँ बाप फोटो नहीं लगाए कुछ कुछ इंसान हम थोड़े के काम करते लेकिन हम हमारे नितिन ठाकुर जी की भी फोटो नहीं लगाए बहुत अच्छा जिला अध्यक्ष है अगर फोटो ना लगाए तो अच्छा जिला अध्यक्ष नहीं बन सके ऐसे वाले कोई बात नहीं हम मजबूत हैं कोई तोड़े नहीं एक डबल इंजन का सरकार फेल हो चुकी है इसके कारण हमारे कांग्रेस पार्टी से लड़ाई लड़ रही है हम लोग सरगुजा से लेके बस्तर सब जगह लड़ाई लड़ेंगे नितिन नवीन कह रहे हैं कि 5 साल जो अन्याय किए हैं उसकी रिपोर्ट न्याय यात्रा में देनी चाहिए आप लोग को नितिन नवीन को पता ही कहाँ है उनके जो सरकार है उनको संभाल नहीं पा रहा है उनको ट्रेड करना छोड़ के नितिन नवीन काली कानापूर्ति करने आ रहा है यहाँ पर भ्रष्टाचार करने आ रहा है हमारे बस्तर में सुरक्षित नहीं हॉस्टल आश्रम अधिक साथ पढ़ने वाले बच्चे को 50,000 रुपया मांग ये नितिन नवीन क्या कर रहा है
इस सरकार को क्या अटेंड नहीं कर रहा है? 50,000 एक बच्चे के ऊपर महीना, और अधिकतर को पाँच पाँच एक एक लाख, चाहे सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, बीजापुर हो, रोड टीवी पेपर वीडियो आ रहा है, कहीं नीति नवीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, सरकारी चकना सेंटर का टेंडर हो रहा है और सरकारी चकना सेंटर बन भी गए हैं कुछ, आप बताइए, आपका ही मंत्रालय था आप, हम लोग तो सकना आइडिया नहीं आ पाया लगता है। सकना सेंटर हम लोग किए नहीं थे, खाली ढोल बजा रहे थे, लेकिन ये लोग सब फर्जी काम करने में नंबर एक है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 5,000 का आदमी को मर्डर करेंगे, 5,000 कोटा में करेंगे जादू के नाम से। अरे बलौदा बाजार में हुआ है, ये कहाँ गए थे पहले? कभी एक आदमी कलेक्टर ऑफिस जला था क्या? कभी एसपी ऑफिस जला था क्या? हिंदुस्तान में 3 लोग के पास बिट्टो पावर है, एक तो देश में प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री, जिला में डीएम, डीएम के ऑफिस सुरक्षित नहीं है। ये कहाँ सुरक्षित है? नीति नवीन के कुछ सुरक्षित है क्या? ये मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का टारगेट केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया। नक्सलवाद के बारे में खाली गुमराह की बात कर रहे हैं। नक्सलवाद तो 2023 का पहले खत्म हो चुका है, थोड़ा सा बचा है वो भी खत्म होगा, वो तो अभी अब कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया है। पहले का नक्सलवाद कहाँ है? सुकमा में, अभी हमारा जो रायपुर में उतरते समय लोग बोलते थे बस्तर में नक्सलवाद है, भूपेश बघेल का सरकार में तो पूरा समाप्त हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है वो ऐसे खत्म होगा। खाली नाम उसमें ठप्पा लगाने के लिए हम खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? वहाँ नवा क्या नलोटा नार में एक रुपये भी दिए क्या? नलोटा नार बनाएंगे, आदिवासी लोगों को सुरक्षा देंगे, एक रुपये दिए क्या? पूछो मुख्यमंत्री को, पूछो कौन सा गांव में एक रुपये दिया? मैं इस्तीफा दूंगा। 9 महीना में 9 रुपये नहीं दिया दादी, आप बस्तर में 9 महीना में 9 रुपये नहीं दादी। आप कह रहे हैं नक्सलवाद कम बचा हुआ है, तो क्या आप अपनी सुरक्षा छोड़ रहे हैं? नहीं, सुरक्षा तो अधिकार सबका है, तो सुरक्षा वो भी रखा है, हम भी रखेंगे। यात्रा पद यात्रा, यूथ कांग्रेस या यूथ के बिना नहीं हो पाती। यूथ कांग्रेस के यहाँ लोकल विकास हमारे पास लोग हैं, भावेश यादव जी, बताइए क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा जोश है यहाँ पे? देखिए, भारत देश युवाओं का देश रहा है, और कोई भी आज तक कोई भी पद यात्रा हुई है या बदलाव की जो लकीर खींची गई है वो युवाओं के साथ मिलकर खींची गई है, और इस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा में अब काफ़ी युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है, और ज़रूर ही आगे इसके रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि लगातार साया सरकार ने छत्तीसगढ़ में सिर्फ लूटपाट, चोरी, डकैती, तो कहीं पे कलेक्टर जल जा रहा है, तो कहीं टोनी पटाना से कहीं मारा जा रहा है, तो जो शासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से ढप हो चुकी है। इसलिए तो न्याय यात्रा बहुत ही अच्छा साबित होने वाली है, और लोगों तक और घर घर तक हम अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यूथ कांग्रेस अभी तो दिख रही है, पर चुनाव या फिर ऐसा माहौल नहीं होता तो यूथ कांग्रेस थोड़ी डाउन सी लगती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा नहीं है, यूथ कांग्रेस शुरू से दिखती है और शुरू से उनका काम रहता है और वो आगे भी रहेगा। और आप जो कमी की बात कर रहे हैं, वो सब एक एक वो दिया जाता है, काम दिया जाता है, उस पर काम करते हैं, संगठन के लिए हमेशा यूथ कांग्रेस आगे रही है। इस यात्रा के व्यवस्था से लेकर रुकने की, जहाँ भी रुकना है, खाना भोजन का व्यवस्था अभी तक मंत्री यादव के हाथ में था, उन्होंने हर एक फील्ड में जाकर इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि व्यवस्था अच्छे से रहे। तो आइए से जाने की कोशिश करते हैं कि अभी तक की यात्रा जो आज ही चालू हुई है, पहले हॉल्ट में आई है, कैसे हुई? सबसे पहली बात तो यह है कि आज जो उत्साह का माहौल है, आज जो पूरे देश में जो लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, और उन्होंने दर्शा दिया कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के 9 महीने की सरकार में हुई है, जनता में आक्रोश है, और आक्रोश इस पद यात्रा में दिख रहा है भाजपा के खिलाफ। और जिस व्यवस्थाओं की बात करो तो व्यवस्थाएं जो भी है, हम लोगों ने पद यात्रियों के लिए ऐसी व्यवस्था की कि उनको तकलीफ ना जाए, मेडिसिन से लेकर हम लोगों ने पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मतलब तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं का हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है कि हमारे पदयात्रियों को किसी प्रकार का छोटी सी तरीके से तकलीफ ना जाए। गांव वाले आपको, आपका सपोर्ट आपको मिल रहा था, जब आप व्यवस्थाओं की बात करें तो गांव में जाके रुकना पड़ रहा था, तो गांव वाले किस प्रकार का उत्साह दिखाए थे आपकी यात्रा को लेकर? देखिए, गाँव वालों का तो उत्साह दिखते बन रहा है, जगह जगह स्वागत हो रहे हैं, और आज इस भोजन की व्यवस्था पहला हमारा पड़ाव है, इस पहले पड़ाव में देखोगे आप हजारों की संख्या में लोग आज जो है हमारे साथ भोजन कर रहे हैं, साथ में अध्यक्ष जी बैठे हैं, साथ में भोजन कर रहे हैं, तो व्यवस्थाओं में तो कोई कमी नहीं। अच्छा, जब ऐसी जब जमीन में नेता आते हैं, बड़े बड़े नेता, मैंने देखा तामिल साहू जी से लेकर टीएस बाबा टाइप के जितने बड़े बड़े नेता थे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, आज मैंने देखा कि जब जमीन पे ये चीज़ होती है तो
सब कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के वहीं पर खाना खाया जाता है। तो ये आपको क्या लगता है, ये राजनीति आपने जो चालू की है फिर से कांग्रेस की, तो ये फायदेमंद होगी आगे जाके? बिल्कुल, देखिए देखिए कार्यकर्ता ही हमारे रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ताओं के बलबूते पे जो है सरकार बनती है। तो कार्यकर्ताओं को हम कहीं भी खोना नहीं चाहते, कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिल्कुल चार्ज करके रखा है। कार्यकर्ताओं का हर कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, महिलाओं का सम्मान है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम पूरी जो जितनी भी हमारे तरफ से हो सकती है तैयारियाँ पूरी कर रहे हैं। 2 तारीख को पहुँचना है वहाँ पर गांधी मैदान में, तो वहाँ पर सर आप बताइए सचिन पायलट हो गए, ऐसे कोई बड़े नेता आर्थिक सर के जी, हमने पत्र डाला है, खड़गे जी को पत्र डाला है, राहुल जी को डाला है, सोनिया जी को भी डाला है, प्रणब मुखर्जी को डाला है, अंडर साहब को डाला है, सब लोगों को हमने पत्र डाला है। पत्र के माध्यम से जैसी जिनकी सुविधा होगी वो हम उपलब्ध कराएंगे। आपको लगता है सफलता इस पदयात्रा से आगे के चुनावों में और आगे के जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम होंगे उनमें आपको मिलेगी? बिल्कुल, देख लीजिए कितना उत्साह का माहौल है। किरौतपुरी से कसडोल 25 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद दीपक बैज रात्रि विश्राम कर रहे हैं। कल कसडोल से ये यात्रा फिर से स्टार्ट होगी। ऐसे करके 27 से लेकर 2 तारीख तक 6 दिनों के अंदर दीपक बैज गिरौतपुरी से रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर के गांधी मैदान 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ये संदेश देने की कोशिश है कि ये मार्च जो पैदल चल रहे हैं ये गांधी के डांडी मार्च की तरह है, जो लोगों के हक को दिलाने के लिए रायपुर के गांधी मैदान पहुंचा है। जब तक ये यात्रा चल रही है ग्राउंड में रहने की कोशिश करेगी और आपको ग्राउंड से हर एक अपडेट को देने की कोशिश करेगी। आगे इस यात्रा पे क्या होता है, दीपक बैज की बात को आम जनता समझ पाती है कि नहीं समझ पाती है, कांग्रेस पार्टी जो कहना चाहती है, क्या आगे के नगरीय निकाय, निगम और जिला पंचायत के चुनावों में उसका प्रभाव होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अभी 10 महीने पहले ही कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया गया था। उसके बाद जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी पिछले बार से भी खराब स्थिति में कांग्रेस फिर आ गई, क्योंकि 10 सीट फिर से कांग्रेस यहाँ हार गई थी। पदयात्रा के बाद इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सब के एनालिसिस के लिए भी आप लगातार हमसे बने रहें। देखते रहिए तीरंदाज, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।